प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। का भारत ने दुनिया के समक्ष पेश किया इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्कृष्ट संतुलन का उदाहरण। हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, देश में वामपंथी उग्रवाद के मामलों में आई भारी कमी, उग्रवाद से जल्द मिलेगी मुक्ति, सुरक्षा बल अंतिम प्रहार को तैयार। मुख्यमंत्री ने पलामू में 182 योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास, परिसंपत्ति का हुआ वितरण, कहा लोगों को मिल रहा हक और अधिकार। और राज्यपाल गुमला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शरीक, लाभुक, ग्रामीणों से किया संवाद, परिसंपत्तियों का किया वितरण, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया के समक्ष इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्कृष्ट संतुलन का उदाहरण पेश किया है। क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। भारत में विश्व की 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने आज अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य समारोह झारखंड के हजारीबाग में आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बीएसएफ जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना की। झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जवानों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। स्थापना दिवस के अवसर पर 5 शहीदों को मरणोपरांत समेत कुल 23 पदक प्रदान किए गए, जिसमें 11 पुलिस गैलेंट्री अवार्ड, 11 विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक और 5 बीएसएफ आंतरिक स्पर्धा ट्रॉफी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज अपने बीच पाकर बरवासी हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं। 105mm लाइट फील्ड गन्स, फायरिंग रेंज 100। केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने संबोधन स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीएसएफ जवानों न दुर्गम से दुर्गम इलाके में कर्तव्य त्याग और बलिदान की अमिट मिसाल कायम की है, जिस पर सबको गर्व है। बीएसएफ जवानों के अदम्य साहस और शौर्य की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस देश की सीमाएं सुरक्षित न हो वो देश विकसित और समृद्ध नहीं हो सकता। तोड़ के बजट के साथ मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शुरुआत हुई। सीमावर्ती गाँव में अनेक कल्याणकारी योजनाओं के साथ सीमा सुरक्षा बल और सभी बलों को छोड़कर बल केवल सुरक्षा नहीं जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और इसके लिए कई पहल किए गए हैं। केंद्र सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत संरचना और कनेक्टिविटी के विकास पर खास जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि सीमाओं पर 560 किलोमीटर बाढ़ लगाए गए हैं और यह काम अगले 2 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। रेल, रोड, वाटरवे और इसके साथ साथ दूर संचार की कनेक्टिविटी भी सुधारी गई है। भू सीमा ट्रेड को भी बढ़ावा दिया गया है और पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने बताया कि जवानों के कल्याण के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में देश को वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हजारीबाग में बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आंतरिक सुरक्षा की चर्चा करते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद अब सिमटता जा रहा है और यह अब खत्म होने के कगार पर है। श्री शाह ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश में नक्सल प्रभावित जिले में 96 से घटकर अब 45 रह गए हैं। सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ जैसे कई इलाकों में नक्सलियों से मुक्त करा लिया है।
आज मैं देश की जनता को बड़े हर्ष से बताना चाहता हूँ कि हम कगार पर है। वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद पर अंतिम प्रहार करने के नए हौसले के साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में देश को उग्रवाद से मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा कि झारखंड के कोल्हान और कुछ अन्य क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई जारी है तथा उन्हें यह विश्वास है कि हम यह लड़ाई भी जीतेंगे। जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए होश और जोम के साथ, हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ देश को कामयाबी मिली है और आज कश्मीर में सुरक्षा बलों का संपूर्ण वर्चस्व स्थापित हुआ है। बीएसएफ का बहादुर जवान देश की सीमा की सुरक्षा करता है और सीमा की सुरक्षाओं को सुनिश्चित करता है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने में बीएसएफ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यह भावी पीढ़ियों को तो नुकसान पहुंचाता ही है और इस कारोबार का उपयोग टेरर फंडिंग में भी किया जाता है, इसलिए इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। बल केवल सुरक्षा नहीं, जन कल्याण भी कर सकता है, एक नए कंसेप्ट को मोदी जी ने शुरू किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने बताया कि बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 90 से अधिक ड्रोन मार गिराए हैं और इसके अलावा कई अन्य उपलब्धियां भी हासिल की है। हजारीबाग से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से आज हजारीबाग में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न समसामयिक राजनीतिक सांगठनिक विषयों तथा झारखंड के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू के बेदनी नगर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 182 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, साथ ही परिसंपत्तियों का वितरण किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से लोगों को उनका हक और अधिकार मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गिरिडीह में नंद प्रभा द्वारा आयोजित जैन धर्म के एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। उन्होंने गिरिडीह दौरे के क्रम में समसामयिक मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत भी की। वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने गिरिडीह दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा को जनता पर भरोसा है। हमें जनता पर जिन्होंने मत डाला उस पर देश की जनता देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाए, यही हमारा हम सबका प्रयास। एक प्रश्न के उत्तर में श्री मुंडा ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, जनता देख रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर कोई टिप्पणी नहीं की। क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं वो समझे। केंद्रीय दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बराकर नदी के किनारे बने जैन मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की तथा देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची में आज आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान विशेष तौर पर कांग्रेस के बरकागांव विधायक प्रतिनिधि गिरेंद्र प्रसाद ने अध्यक्ष सुदेश महतो की उपस्थिति में पार्टी का दामन थामा। श्री महतो ने उनका पार्टी में स्वागत किया। और संगठन लगातार जो अभी 3 महीने के अंदर महाधिवेशन के 3 महीने के अंदर जो हमारा टारगेट था, हम लोग उसको पूरा करने की तैयारी करेंगे। पार्टी का बहुत जल्द इसी पे दिन में पार्टी का विस्तार का भी घोषणा होना है, तो बहुत जल्द पार्टी का विस्तार भी हो जाएगा, तो फिर पार्टी के भावी कार्यक्रम भी सामने आएंगे। लेकिन क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का है उनको जो तरजीह मिलना चाहिए पार्टी में वो नहीं मिलता है, गिने चुने लोग हैं कुछ।
उत्तराखंड के निर्माणाधीन सुरंग से सकुशल बाहर निकाले गए राज्य के 15 मजदूर एयरलिफ्ट कर रांची लाए जा रहे हैं। इस बीच आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। मेहनत किया 8 दिन जितना दिन का रहा उनका, जो एक गंभीर परिस्थिति से वो बाहर निकले हैं, जहां पर परिवार या फिर वो खुद उनके बयान को मैंने सुना, जिन्होंने अपना ये तोड़ दिया था कि शायद मैं बाहर निकल पाऊंगा, लेकिन जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इनको बाहर निकाला, मैं उनके एक छोटा सा पत्थर हटाने वाले के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। इधर समसामयिक राजनीतिक विषयों पर रांची में बोलते हुए स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बन्ना गुप्ता ने भरोसा जताया कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज गुमला के अरमई पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही योजनाओं का लाभ भी दिया गया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। राज्यपाल ने लोगों से नशापान से दूर रहने का भी आह्वान किया। मौके पर उन्होंने अरमई पंचायत के मुखिया हीरा देवी को जमीन संबंधी डिजिटलाइजेशन में बेहतर काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। मौके पर उन्होंने कैलेंडर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा से खास और आम सभी जुड़ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने हजारीबाग में जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्रीय रेल सह कोयला एवं खनन राज्य मंत्री राव साहब पाटिल दानवे ने हजारीबाग के झील परिसर से जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता वाहन विभिन्न प्रखंडों का भ्रमण कर केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कमजोर तबकों के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील है, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो हमारी सरकार आई, वो सरकार ने गरीबों के लिए और इस देश के लिए जो काम किए उसका प्रचार और प्रसार, और जो कोई बेनिफिशरीज है उनके लिए ये यात्रा निकाली गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा और सेवा देने के लिए सरकारों में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। जिनको मिला है उनके लिए प्रचार हो रहा है, और जो वंचित है, जिसको नहीं मिला है, उसके लिए इस यात्रा के माध्यम से जानकारी देकर उनको इसमें शामिल करने का भी प्रोग्राम ये भारत विकास यात्रा के तहत किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य के अलग अलग हिस्सों में अनवरत जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी दिख रही है। ब्यूरो की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत परसाटांड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गिरिडीह में केंद्र प्रायोजित योजनाओं से जनमानस को बड़ी राहत मिली है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण विकसित भारत संकल्प यात्रा में देखने को मिला। जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत परसाटांड में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी दिखी। इस दौरान लोगों को जागरूकता रथ के माध्यम से केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान किसानों और अन्य लाभुकों ने केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं के फायदे गिनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये योजना है उसे महाजनों से छुटकारा मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान निधि की योजना के तहत साल में 6,000 रुपया, 2,000 रुपया, 4 महीना में मुझे मेरे खाते में प्रधानमंत्री डेबिट कर रहे हैं। सूर्योदय होने के पहले ही निकलना पड़ता था, और इस कारण से लोग को ज़्यादा परेशानी होता था। हर घर में शौचालय होने के बाद सब सुरक्षित है, अपना घर में प्रयोग करते हैं शौचालय का। जैसे सोलर पैनल मिला है, जिसे हम खेती पटावन करते हैं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाभुकों ने बताया कि पीएम आवास योजना से उनके जीवन में सुखद बदलाव आया है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं।
प्रधानमंत्री योजना से हमको शौचालय मिला है। पहले बहुत हमको लेडीज को जाना पड़ता था मैदान नदी टाँग, घर में सुविधा मिल गया है, बहुत सुरक्षित से रहते हैं। प्रधानमंत्री योजना से बहुत बढ़िया मिला है। मोदी सरकार हमारा दल का आप बनाए के अच्छा से रहिए, अच्छा से सुखी से रहिए। वो 2000 रुपया मुझे 3 मंथों में दाना बीज खाद के लिए प्रत्येक माह हम लोग को सरकार द्वारा मिल रहा है। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए उज्ज्वला योजना समेत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं को कमजोर वर्गों के लिए वरदान बताया। महिलाओं ने भी केंद्र सरकार की संवेदनशीलता की जमकर प्रशंसा की। मोदी जी देखा राशन मिले करिए, देखा कर रहा है 5 किलो में 1 महीना में मिल रहा है अनाज फ्री में। मोदी जी बढ़िया किया है। पहले शौचालय मिला है, पहले बाहर जा रहे थे, अब घर में बना हुआ है। मोदी जी धन्यवाद, हम लोग को शौचालय दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सही अर्थों में लोगों को उनके घर दरवाजों तक विकास की किरण पहुंचाने का काम कर रहा है, ताकि वंचित वर्गों का उत्थान हो सके। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने दुमका में हाईकोर्ट के वर्चुअल बेंच का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोग और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी और अधिवक्ता खासे खुश हैं। उसी करीब है एक कदम हम लोग आगे आए हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत दुमका में आज वर्चुअल बेंच झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना का शुभारंभ हुआ है। इससे आम व्यापारियों को बहुत लाभ मिलेगा। जो हम लोग को रांची जाना पड़ता था हर केस के लिए हर डेट में, वो वर्चुअली यहाँ पे सुनवाई हो जाएगा। इससे बहुत लाभ मिलेगा कम समय में और कोई खर्च नहीं होगा। बिना खर्च का हम लोग दुमका में सुनवाई कर सकेंगे। इससे व्यापारियों में हर्ष है, केस के डिस्प्यूट को बढ़ाना है, इसलिए आज इसका विधिवत उद्घाटन हुआ है। रांची पुलिस नशे के सौदागरों को धर दबोचने के लिए अब नए तरीके अपना रही है। गुप्त सूचना मिलने पर कोतवाली के डीएसपी प्रकाश सोए योजनाबद्ध तरीके से ऐसे कारोबारियों और नशेरियों को पकड़ने के लिए ई रिक्शा से निकल पड़े। इन नशेरियों को इस बात का एहसास नहीं हो सका कि उनके पास पुलिस आ रही है, अन्यथा वे भाग निकलते। पुलिस ने गांजा और ब्राउन शुगर के साथ करीब आधा दर्जन नशे के सौदागरों को पकड़ लिया। इधर रांची जिले के पुलिस ने ही लोअर बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स को 30 पुड़िया के साथ अशोक नगर के समीप से गिरफ्तार किया है। टीम में हमारा हटिया डीएसपी है और अरगोड़ा थाना प्रभारी के थाना प्रभारी है, साथ में इनके साथ में कनी पदाधिकारी अनिमेश है, संजय है और आकाश कुमार है। ये तीन राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में चाईबासा में न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक आज राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। 2 से लेकर 4 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे की स्थिति बनी रह सकती है, जबकि आकाश में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। 5, 6 और 7 को भी राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 18.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन को किया संबोधित का भारत ने दुनिया के समक्ष पेश किया इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्कृष्ट संतुलन का उदाहरण। हजारीबाग में बीएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा देश में वामपंथी उग्रवाद के मामलों में आई भारी कमी, उग्रवाद से जल्द मिलेगी मुक्ति, सुरक्षा बल अंतिम प्रहार को तैयार। मुख्यमंत्री ने पलामू में 182 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास, कई संपत्ति का हुआ वितरण, कहा लोगों को मिल रहा हक और अधिकार। और राज्यपाल गुमला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हुए शरीक, लाभुक ग्रामीणों से किया संवाद, परिसंपत्तियों का किया वितरण, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल।